नमस्कार, मैं हूँ श्रृंखला प्रियदर्शिनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रॉक 94.2 एफएम। तो चलिए सुनते हैं आज की प्रमुख खबरों को। नहाई खाई के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व बुधवार को उगते भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। सभी ने छठी मैया व भगवान सूर्य से घरों में खुशहाली की कामना की। नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप, 4 और मरीजों की हुई पुष्टि, 3 मुजफ्फरपुर व 1 सीतामढ़ी के रहने वाले। मरीजों की संख्या अब 26 से बढ़कर 30 हो गई है। सहरसा के सराही में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर 35 वर्षीय युवक उमेश साह को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली युवक के सीने में लगी है। जाते जाते बदमाशों ने मृतक के घर पर लगी स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग करते उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बढ़ते प्रदूषण की अनदेखी अब कई राज्यों पर भारी पड़ रही है। बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश की हवा इस कदर जहरीली हो गई कि इन राज्यों को मौत का गैस चैम्बर कहा जाने लगा है। जहां अकाल मौत की लगातार बढ़ती दर से देश दुनिया चिंतित होने लगी है। प्रदूषण ने जिले में ले ली 531 लोगों की जान। पटना से अपहृत जामीन माठिया निवासी ठेकेदार अशोक कुमार का शव मंगलवार को पीएमसीएच में मिला। अपहर्ताओं ने अशोक के साथ बुरी तरह मारपीट के बाद फतुहा के पास एनएच किनारे 20 फीट गड्ढे में फेंक दिया था। खाकी पर दाग, जुआरियों से वसूली का वीडियो हुआ वायरल, 3 सिपाही निलंबित। झारखंड सरकार पर बकाया 3527 करोड़ रुपए वसूलने के लिए डीवीसी ने बिजली कटौती की घोषणा कर दी है। 15 नवंबर की रात 12 बजे से हर दिन 6 से 7 घंटे बिजली कटौती की रहेगी। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के टेक्नो पेट्रोल पंप के पास सोमवार देर रात ट्रक से कुचलकर होमगार्ड जवान रविंद्र सिंह की मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद जवान को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कोसी क्षेत्र में छठ पर्व के दौरान अलग अलग जगह हुए हादसों में पानी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 खगड़िया, 2 सहरसा और सुपौल तथा 1 मधेपुरा से है। डूबने वाले 8 में से 7 लोगों की मौत छठ के मौके पर मंगलवार और बुधवार को अर्घ देने के दौरान हुई। नेपाल में ट्रैक्टर और जीप की टक्कर में 2 लोगों की हुई मौत। हादसे में 15 लोग हुए घायल, जिसमें 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का उपचार स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। अमनौर प्रखंड के धर्मपुर जाफर पंचायत अंतर्गत अमनौर जान गांव में मंगलवार की रात अचानक लगी आग में 3 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गए। गृह स्वामी के अनुसार अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जल गई है। सहारनपुर के गंगौ पुलिस ने 1 लाख से भी ज्यादा के नकली नोट की खेप की डिलीवरी देने पहुंचे एक युवक को दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लैपटॉप और प्रिंटर भी बरामद किया है। मौके से उसका साथी फरार हो गया। इटली के लेक कोमो में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की हुई शादी। लोग नव वर वधु की कुछ तस्वीरें पाने के लिए हैं उत्सुक और वहां से कुछ फोटोज आए हैं सोशल मीडिया में, लेकिन वो भी धुंधले। इनमें दोनों साफ साफ नजर नहीं आ रहे। समस्तीपुर जिले के रोसरा थाना अंतर्गत भतंडी गांव के पास सड़क किनारे एक अज्ञात 40 वर्षीय युवक का शव बरामद होने से आसपास के ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। युवक के शव का शिनाख्त नहीं होने पर लोगों की सूचना पर पहुंचे रोसरा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर भेज दिया है। थानाध्यक्ष एचएन सिंह ने बताया कि मृतक युवक चकेदार क्रीम कलर का शर्ट तथा गले में रुद्राक्ष एवं कई अन्य माला भी पहने हुए है। उन्होंने बताया कि यहां के आसपास के सभी थानों में मृतक युवक के फोटो के साथ सूचित कर दिया गया है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना के पुलिस ने खोकसाहा चौक पर वाहन चेकिंग के क्रम में एक अवैध लोडेड देसी पिस्तौल के साथ विभूतिपुर थाने के शाख मोहन गांव के राहुल कुमार उर्फ पनिया को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक रोसरा एवं विभूतिपुर में कई चोरी की गई बाइक कांडों में वांछित था। वहीं पुलिस को दिए गए बयान में उसने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। भोजपुर के पीरो थाना क्षेत्र के जितौरा बाजार में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने यूपी के इनामी बदमाश नारायणपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाला कुंदन कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ वाराणसी पुलिस द्वारा 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इसके पास एक पिस्टल व 2 गोलियां भी बरामद की गई हैं। इसके खिलाफ वाराणसी के कॉन्टोमेंट थाना में शॉपिंग मॉल में फायरिंग व 2 लोगों की हत्या करने का मामला दर्ज है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आगे की खबरों को सुनने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो रॉक 94.2 FM। सुनो दिल की।